शिवपुरी के देहा थाना क्षेत्र के गुना शिवपुरी हाईवे पर ककरबाया ओवरब्रिज के पास एक ट्रक और मिनी ट्रक की भिड़ंत हो गई। घटना गुरुवार सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। टक्कर के बाद आयशर मिनी ट्रक का ड्राइवर और हेल्पर करीब 4 घंटे तक केबिन में फंसे रहे। बाद में क्रेन की मदद से दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। वहीं 4 घंटे तक गुना शिवपुरी हाईवे में जाम की स्थिति बनी रही, जिसे ट्रैफिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खुलवाया। जानकारी के मुताबिक टमाटर से भरा ट्रक गुना से ग्वालियर की ओर जा रहा था, वहीं आलू से भरा आयशर मिनी ट्रक ग्वालियर से गुना की ओर जा रहा था। तभी देहात थाना क्षेत्र के ककरबाया ओवरब्रिज के पास फोरलेन पर दोनों के आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। घटना में ग्वालियर की ओर जा रहा ट्रक आयशर मिनी ट्रक की कैबिन में पलट गया। सूचना के बाद मौके पर देहात थाना पुलिस पहुंची, जहां ड्राइवर और हेल्पर को निकालने में 4 घंटे का समय लग गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम को भेज दिया है। मृतकों की पहचान सुनील शर्मा और हरिओम शर्मा के रूप में हुई है। दोनों भिंड जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने दुर्घटना की सूचना परिजनों को दे दी है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अजमेर सिंह है। अच्छा, क्या ये 108 पे हो? हाँ, मैं इस पे EMT। अच्छा, अभी आप ये लेके आए एक्सीडेंट वगैरह कहाँ पे हुआ है? ये गुना बाईपास पे हुआ है, ओवरब्रिज पे जी। वहाँ पे बड़ी वाली पिकअप थी जी, आयशर की जी, और वो उसमें घुल गई ट्रक में जी। ट्रक वाले ने ट्रक में घुस गई? हाँ, ट्रक में घुस गई। दोनों में कच्चे माल के थे, एक में ट्रक में टमाटर भरा था, उसमें आलू था जी। तो ओवरटेकिंग दोनों चक्कर में आमने सामने भिड़ी आमने सामने भिड़ी है। अच्छा, ट्रक उसी के ऊपर पड़ गया। फिर 4 घंटे की मशक्कत के बाद ये निकाल पाए। कितने बजे की घटना? 4 बजे की घटना है, और मैं 8 बजे मतलब वहाँ से निकल पाया ने निकाल के। अच्छा, आपने निकाला क्या? और भी पुलिस स्टाफ था, हम भी थे। 4 बजे से आप? हाँ, 4 बजे से वहीं से परेशान हो रहे हैं, वहीं से उन्होंने निकाला।